देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दरअसल बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूलेगा नहीं। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक कई बड़े काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा एक दरियादिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इससे पहले सोमवार को भी रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटों के बाद खुद उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि मेरे लिए चिंता करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों की रूटीन चेकिंग के लिए अस्पताल आया हूँ, लेकिन देश को ये दर्द अब हमेशा रहेगा कि वो इस बार अस्पताल से नहीं लौट पाए और हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अरबपति कारोबारी और बेहद दरियादिल इंसान रतन टाटा 86 साल के थे। 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म हुआ था। वो साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित कर देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। गौरतलब है कि रतन टाटा को 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े समूह टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया था। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उन्होंने 2012 तक इस समूह का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट कराया था।